हेलो एवरीवन, दिस इज अविजैन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। फ्रेंड्स, आज हम आपको प्राविधिक कला एलटी ग्रेड, यूके एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बता रहे हैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगे। प्रश्न नंबर एक, संदर्श चित्र में किसी वस्तु का कौन सा चित्र होता है? ठीक, तो इसके आपको चार ऑप्शंस मिल सकते हैं, लाइक कल्पना से बनाया हूँ, या ज्यामितीय यंत्रों से बनाया हूँ, या वास्तविक व ज्यामितीय का मिश्रण हो, या फिर जैसा दिखाई दे। ठीक है, तो जो संदर्श चित्र होता है वो ऐसा चित्र होता है जो हमें जैसा दिख रहा है वैसा। ठीक है, तो संदर्श चित्र में किसी भी वस्तु का चित्र वैसा ही होता है जैसा हमें दिखाई देता है। ठीक है, प्रश्न नंबर दो, एक समान ऊंचाई की लंब रेखाएं जितनी दूर होती जाएंगी कैसी प्रतीत होंगी? तो आपके सामने ऑप्शंस हो सकते हैं, छोटी, बड़ी, ऊंची या नीची। तो आपको ये सबको पता है कि जो पास की चीज़ें होती हैं वो हमें बड़ी दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे जैसे वे दूर चली जाती हैं तो वे कैसी दिखाई देती हैं? छोटी। तो एक समान ऊंचाई की जो लंब रेखाएँ हैं वो जितनी दूर होती जाएंगी वे छोटी दिखाई देंगी, छोटी प्रतीत होंगी। प्रश्न नंबर तीन, जो रेखाएं क्षितिज की ओर जाती हैं वे नेत्र के सामने क्षितिज पर कहाँ मिलती हैं? क्षितिज मतलब जहाँ धरती और आकाश मिले हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो सकते हैं नेत्र बिंदु पर, नेत्र पर, दृष्टि की मुख्य रेखा पर, या दृष्टि केंद्र पर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दृष्टि केंद्र पर। जो रेखाएं क्षितिज की ओर जाती हैं वे नेत्र के सामने क्षितिज पर, दृष्टि केंद्र पर मिलती हैं। प्रश्न नंबर चार, रेल की पटरियों के स्लीपर दूर जाते हुए एक दूसरे से दिखाई देते हैं, कैसे दिखाई देते हैं? जैसे आपके पास कोई भी चीज़ होती है तो बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, ऐसे ही रेल की जो पटरियां हैं वे आप वहां पर खड़े हैं तो कैसी दिखाई देंगी? पास की, बिल्कुल अलग अलग। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वे पटरियां, मतलब डिस्टेंस से देखोगे, दूरी से देखोगे, तो वे पटरियां कैसी दिखाई देंगी? आपस में मिली हुई दिखाई देंगी, अधिक निकट, कि दो पटरियां जो हैं, स्लीपर जो हैं, वो एक दूसरे के निकट हैं। ठीक है, और वैसे पास से देखोगे तो कैसा लगेगा? अलग अलग। तो रेल की पटरियों के स्लीपर दूर जाते हुए एक दूसरे से अधिक निकट दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर पाँच, निकटवर्ती रेखाएं दूरवर्ती रेखाओं की अपेक्षा कैसी होती हैं? निकटवर्ती मतलब पास की, दूरवर्ती मतलब जो दूर की। अब मैंने आपको बताया था जो पास की रेखाएँ होती हैं, पास की चीज़ें होती हैं, वो बड़ी दिखेंगी, और जो दूर की चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे छोटी दिखती जाती हैं। जितनी दूर होंगी उतनी छोटी होगी, और जब क्षितिज पर मिलती है तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, लोप हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हो सकते हैं दूरवर्ती के समान, उसकी आधी, उससे बड़ी या उससे छोटी। तो इसका राइट आंसर होगा उससे बड़ी। जो निकटवर्ती रेखाएँ हैं वो दूरवर्ती रेखाओं की अपेक्षा बड़ी होती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर छः, ब्लॉक प्रिंटिंग में रोमन शैली के अक्षरों को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन हो सकते हैं आपके सामने प्राचीन शैली, भूतपूर्व शैली, घरेलू शैली या आधुनिक शैली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आधुनिक शैली। तो ब्लॉक प्रिंटिंग में रोमन शैली के अक्षरों को आधुनिक शैली कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर सात, रोमन शैली में अक्षरों के सब डंडे रहते हैं। ठीक है, तो हमें रोमन शैली में अक्षरों के डंडे बताने हैं कि वे कैसे रहते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हो सकते हैं, ऊपर से पतले, ऊपर से मोटे, समान मोटाई में या असमान मोटाई में। तो जो रोमन शैली में अक्षरों के डंडे होते हैं वे असमान मोटाई में होते हैं। ठीक है, तो रोमन शैली में अक्षरों के सब डंडे कैसे होंगे? असमान मोटाई में, ये इसका आंसर है। प्रश्न नंबर आठ, गोथिक शैली में
अक्षरों के सब डंडों की मोटाई रहती है, कैसी रहती है? तो हमारे सामने ऑप्शंस हो सकते हैं समान, असमान, कम अधिक या बीच में अधिक। तो गोथिक शैली में अक्षरों की सब डंडों की जो मोटाई रहती है वो समान रहती है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समान। प्रश्न नंबर 9, तिरछे अक्षरों की लेखन शैली को कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने हो सकते हैं रोमन, गोथिक, इटैलिक या आधुनिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इटैलिक। तिरछे अक्षरों की लेखन शैली को इटैलिक कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, तिरछे अक्षरों को कितने अंश पर झुकाकर लिखना उपयुक्त है, ठीक है? तो आपके सामने ऑप्शन हो सकते हैं 60 डिग्री, 72 डिग्री, 75 डिग्री या 80 डिग्री। तो तिरछे अक्षरों को 80 डिग्री के कोण पर झुकाकर लिखना, अंश पर झुकाकर लिखना उपयुक्त है, ठीक है।